जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदयमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हमने 4 से 5 लोक नृत्य को ही लिया है और उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ताकि दोस्तों क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे हम उसका आंसर कर लें। दोस्तों, पहले डांस की बात करें तो छऊ या फिर छऊ, जिसे दोनों नाम से जाना जाता है, छऊ भी कहा जाता है छऊ। दोस्तों, यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मार्शल आदिवासी और लोक मूल के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। दोस्तों, अगला पॉइंट जानते हैं इसके बारे में कि इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं, यानी कि इस नृत्य में क्या करते हैं, जो योद्धा होते हैं यानी कि जो डांसर होते हैं, वह अपने परंपरागत जो उनका वस्त्र होता है उसी को पहनते हैं। इस नृत्य में विस्तृत मुखौटे और टोपी पहने जाते हैं। यह महाभारत और रामायण स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों सहित महाकाव्यों के एपिसोड को लागू करता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं चिराव नृत्य की। तो दोस्तों, चिराव नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लादकर लाना पड़ता है। दोस्तों, इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं, यानी कि जो आपका ये डांस होता है, चिराव नृत्य होता है, इसमें 6 से 8 लोग होते हैं। चिराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी को लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटा जाता है। दोस्तों, 2010 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसमें एक ही समय में सबसे अधिक चिराव नर्तकियों ने प्रदर्शन किया था। दोस्तों, इसे मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य कहा जाता है और पुराने नृत्य के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं सत्रिया नृत्य, जिसे कि सत्रिया भी कहा जाता है। दोस्तों, सत्रिया नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था। इसे हर घर की लड़कियां सीखती हैं। सत्रिया नृत्य और नृत्य नाटक की उन भावभंगिमाओं को संदर्भित करता है, जिनका विकास असम के सत्राओं अथवा मठों में 16वीं शताब्दी के पश्चात हुआ था। अपने धार्मिक चरित्र और सत्रों के साथ जुड़ाव के कारण इस नृत्य शैली को उपयुक्त रूप से सत्रिया नाम दिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट है राउफ नृत्य। यह जम्मू एवं कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें नाचने वाली ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर नृत्य करती हैं। इसकी गति पर गीत की लड़ियों का काफ़ी प्रभाव रहता है, जबकि इसके आयोजन में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पूछा भी जा सकता है कि कौन सा ऐसा नृत्य होता है जिसमें कि वाद्य यंत्र का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो हाँ दोस्तों, है जम्मू कश्मीर का राउफ नृत्य। दोस्तों, हम बात करते हैं गरबा नृत्य के बारे में। दोस्तों, गरबा एक गुजराती लोक नृत्य है। यह नवरात्रि में मनाया जाता है, जो 9 रातों तक चलने वाला उत्सव है। गरबा गीत आमतौर पर भगवान कृष्ण या 9 देवियों के विषयों के इर्द गिर्द घूमते हैं। यह मिट्टी के मटके, जिसे गरबा कहते हैं, को पानी से भरकर इसके चारों ओर महिलाएं द्वारा नृत्य किया जाता है। मटके के अंदर एक सुपारी और चांदी का सिक्का रखा जाता है, जिसे कुंभ कहते हैं। इसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है। नृत्य करने वाली महिलाएं मटके के चारों ओर गोल घूमती हैं और एक गायक तथा ढोलक या तबला बजाने वाला व्यक्ति संगीत देता है। दोस्तों, अभी हम इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, पहला है कि छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि छत्तीसगढ़। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा कि यह जो छऊ नृत्य है, यह
झारखंड, छत्तीसगढ़ और कई जगहों पे जैसे कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पे मनाया जाता है। तो छऊ और जो चऊ है यह कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का हम कह सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं, चिराओ भी कहा जाता है, ये कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, असम, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड। दोस्तों चिराओ नृत्य को ही बम्बू नृत्य भी कहा जाता है, मतलब बांस डांस भी कहा जाता है। तो यह कहाँ का है बताइए, असम का है, मिजोरम का है, उड़ीसा का है या फिर झारखंड का है। तो दोस्तों यह जो मतलब डांस है चिराओ, यह मिजोरम का डांस है। कहाँ का है, मिजोरम का। यदि दोस्तों हम इनकी राजधानियों की बात करें तो असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर, मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और झारखंड की राजधानी है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है, सत्रिया नृत्य। दोस्तों जैसा आपको पता है मैंने बताया था सत्रिया जो है यह असम का है, राउफ कहाँ का है, तो राउफ आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, चिराओ कहाँ का है और गरबा कहाँ का है। तो दोस्तों जो चिराओ लोक नृत्य है यह मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है, जिसे कि बांस डांस भी, बांस नृत्य भी कहा जाता है। और दोस्तों गरबा जो है यह गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि नृत्य में से मुख्य रूप से मुद्रा और प्रदर्शित की जाती है, क्या प्रदर्शित की जाती है, नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरों की गति। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित की जाती हैं, क्या प्रदर्शित की जाती हैं, तो भावनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। दोस्तों एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहां के लोग इसे नाचते हैं वह क्रमशः क्या है, या क्या यह तोरंग है जो कि मिजोरम का है, कुकुड़ है जो कि झारखंड का है, चिराओ है जो कि मिजोरम का है और झूम है जो कि झारखंड का है। तो दोस्तों यह जो डांस है यह चिराओ क्या है, चिराओ है और जो कि मिजोरम का है, कहाँ का है, मिजोरम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि चिराओ नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं, जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है, नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से यह नृत्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। दोस्तों इसी से जुड़े हुए 3 से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, मणिपुर, मिजोरम, असम, उड़ीसा। दोस्तों बात करें उड़ीसा में जो होता है छऊ मनाया जाता है, असम में सत्रिया मनाया जाता है और मिजोरम में क्या मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मणिपुर में दोस्तों मणिपुरी डांस मनाया जाता है। दोस्तों मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, क्या है, इम्फाल है। तो दोस्तों हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, ये जो दोस्तों होता है चिराओ नृत्य होता है जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। दोस्तों मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते ही एक साथ में खाना खाते पकाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। तो उनका जो विशेष नाच होता है वो क्या होता है, चिराओ, तुरंग, कुडुक, झूम। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चिराओ, क्या हो जाएगा, चिराओ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि दोस्तों वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।